Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Hey what's up guys, Fuji here back with another video. तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइज अबाउट द थर्ड विलेज. जैसे कि तुम लोगों को पता है गाइज ये वाला अपना है यार फर्स्ट विलेज, दिस इज आवर सेकंड विलेज. एक और विलेज गाइज जो कि आ सकता है, जैसे कि हम लोग यार इससे ट्रैवल करते हैं गाइज बोट से इस विलेज में, वैसे ही गाइज एक और विलेज आ सकता है यार जिसमें अपन लोग ट्रैवल करेंगे इस कैरेवान से, जैसे कि यार कल की वाली स्नीक पिक में दिखाया गया था. तो यार सारा कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या आने वाला है यार वो भी उसके बारे में भी यार थोड़ा बहुत हम लोग जांच परख करेंगे. तो तुम लोग यार पूरी वीडियो देखना विदाउट स्किपिंग. तो चलो गाइस यार अभी शुरू करते हैं वाली वीडियो. एंड इस वाली वीडियो का अपन लोग लाइक एम रखने वाले गाइस 11 लाइक्स का, तो यार कंप्लीट कर देना 11 लाइक्स. एंड लेट्स जस्ट गो गाइस. ये तो यार तुम लोग के, अगर तुम लोग ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो यार जाके चेकआउट कर लो, उसमें मैंने इसके बारे में फुल टू सारा कुछ समझा दिया तुम लोग को. एंड तो चलो गाइस यार अभी बात करते हैं अबाउट द थर्ड विलेज. थर्ड विलेज यार तुम लोग की जैसे कि देख सकते हो गाइस ये वाली फोटो में, अगर तुम लोग यार इसको सही सही से देखो गाइस क्लैन गेम्स आर ऑन द वे. अगर तुम लोग देखो गाइस इधर एक रास्ता टाइप में देख रहा है, इधर एक रोड का अंडा देख रहा है, जैसे कि मतलब गाइस साइड में वो साइड में भी ग्रास है, इस साइड में भी ग्रास है. तो यार अगर तुम लोग इधर से फुल विलेज के पास देखो तो इधर यार कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां तुम लोग को यार मतलब एक रास्ता का अंडा दिखे. एक ही चीज है गाइस जो है यार ये वाली, और ये जैसे कि देख सकते हो गाइस ये भी है यार क्लैन से कनेक्टेड. एंड अगर मैं बात करूं गाइस दिस इज ऑल्सो अ क्लैन बैनर. तो यार इधर से यार ये टोटली ये दोनों चीजें यार इंटरकनेक्टेड हो सकती है अगर मैं बताऊं तो आपको. एंड अगर आप सोचोगे इसके बारे में, एंड लाइक एक मतलब कैरेवैन काइंड है यार, तुम लोग मतलब इधर से ट्रैवल कर सकते हो, इधर इधर यार कैरेवैन रहेगी, तुम लोग यार उससे ट्रैवल कर सकते हो एक दूसरे विलेज में. क्योंकि गाइस यार मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस इसके बारे में सोच ही रहा था बहुत सारे दिनों से, क्योंकि यार मतलब अगर वो लोग बस यार टाउन हॉल बढ़ाते रहेंगे तो यार इस गेम का एंड कभी नहीं होगा. एंड अगर मैं बात करूँ गाइस यार बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है अभी यार, अगर वो लोग और भी टाउन हॉल्स दे रहे तो यार उन लोगों का क्रेज जो यार कम हो जाएगा. तो यार वही सोचकर उन लोग ने पहले तो यार बिल्डर हॉल लाया. एंड क्या पता गाइस अभी ये लोग यार थर्ड विलेज इंट्रोड्यूस कर दें जहाँ पर यार मतलब प्लेयर्स यार बिजी रहे कुछ ना कुछ काम में, जैसे कि यार वो अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, या फिर यार वो लोग क्लांस के लिए लड़ेंगे इसमें उसमें, यार क्लांस के लिए जो लड़ेंगे गाइस यार दोनों विलेजेस इंक्लूड होंगे उसमें. एंड अगर मैं बात करूँ गाइस यार इधर जा सकते हो गाइस एक ओलंपिक यार्ड जैसा हो सकता है, एक बड़ा सा एरिना जैसे हो सकता है जिसमें हम सारे क्लैनमेट्स एक तरीके में मिल के सारे अटैक्स करेंगे, ये वो वैसे कुछ तरीके से हो सकता है गाइस वो वाले विलेज में. एंड तो सरो गाइस यार मेरे को जहाँ तक यार मेरे को जितना लगा यार तुम लोग को बता दिया मैंने, क्योंकि यार अगर तुम लोग इसको सही से देखो यार तुम लोग देख लो यार एक रोड का इंडा है, एंड रोड तो यार इधर ही है, एंड ये देख सकते हो क्लैन बैनर और ये भी है क्लैन गेम्स, तो यार दोनों इंटरकनेक्टेड भी है. तो तुम लोग को क्या लगता है इसके बारे में कॉमेंट सेशन बताना मत भूलना. और यार गाइस थैंक यू सो मच आज की वाली वीडियो देखने के लिए, और कॉमेंट सेशन में बताओ यार तुम लोग को क्या क्या लगता है इसके बारे में. आई सी इन द नेक्स्ट वन गाइस. और जैसे कि देख सकते हो ये वाला है ना ये साइड में, ये जो आया हेल्प एंड सपोर्ट से मैसेज अभी अभी करा था उनको मैसेज एक मतलब सीन के बारे में, तो अगर उन लोग का एक पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है उसके बारे में तो यार उनके उसके बारे में भी तुम लोग को बता दूंगा. तो चलो गाइस थैंक यू सो मच आज की वाली वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलूंगा अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.